सनातन संस्कृति में मान्यता के अनुसार करवा चौथ का त्यौहार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को अखंड सुहाग की कामना के साथ सुहागिनों के द्वारा मनाया जाने वाला निर्जला व्रत है। इसी के तहत राजधानी रांची की महिलाओं के द्वारा करवा चौथ के अवसर पर सामूहिक रूप से पारंपरिक और विधि विधान के साथ विशेष तौर पर बाबा भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा अर्चना की गई। इसी के तहत राजधानी रांची की महिलाओं के द्वारा करवा चौथ के अवसर पर सामूहिक रूप से पारंपरिक और विधि विधान के साथ विशेष तौर पर बाबा भोलेनाथ और माता गौरी की पूजा अर्चना की गई। करवा चौथ से जुड़ी कथा और सच्चे हृदय से पति की लंबी आयु की कामना के साथ पारंपरिक गीत का गायन किए विवाहित महिलाएं पूरे दिन निर्जला व्रत करने के बाद चांद निकलने के बाद चांद को पारंपरिक चलनी से देखते हुए अपने पति का दीदार मन में अखंड सौभाग्य की कामना के साथ करती हैं और पति के हाथों जल ग्रहण कर उपवास खोलती हैं। करवा चौथ का व्रत की हुई व्रती ने करवा चौथ के व्रत का पूरा विधान बताते हुए कहा कि अपने पति की दीर्घायु होने की कामना के साथ इस व्रत को सच्चे मन से हम सुहागन करती हैं। करवा चौथ अपने पति की लंबी उम्र के लिए मनाया जाता है। ये इस दिन हम लोग सुबह उठ करके सूर्य निकलने से पहले सरगी लेते हैं अपनी सास के हाथों और उसके बाद फिर वो खाने के बाद हम लोग दिन भर निर्जला रहते हैं। फिर रात में ये पूजा करने के बाद कथा सुनते के बाद हम लोग रात में चांद को देख करके अपने चांद को अर्घ देने के बाद अपने पति के हाथ से जल पी करके अपना ये व्रत खोलते हैं। ये पति की लंबी उम्र और उनकी अच्छी सेहत की कामना के लिए ही किया जाता है। व्रत है और हम अपने पतियों के लिए लंबी उम्र की कामना करते हैं इसका। न्यूज विंग के लिए रांची से रफी समी की रिपोर्ट।